हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सुरेंद्र है। ये मेरा एम जी एस्टर वीडियो देखने के पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मुझे हेल्प करो। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है पुलिस गैरेजेस एम जी एस्टर। तो कल मैं डिलीवरी लिया था, आज मैं सोचा सुबह सुबह थोड़ा हिल पार्क के पास जाएंगे और इसका और भी दिखाएंगे। तो चले हम चलते हैं। अभी हम इधर आ गए हैं, तो ये थोड़ा हिल जैसा है, हम चेक करेंगे। ये हिल का रोड पे ये रोड भी अभी बन रहे हैं, तो कच्चा रोड है, तो चेक करेंगे ये कैसे हमारा एस्टर स्टाइल वेरिएंट कैसे पिकअप उसका कैसे हैंडल करते, तो चेक करेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं रत्नेश्वर टेंपल को, रोड अभी बन रहे, तो आप देख सकते बहुत कच्चा रोड है, तो देखेंगे। मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही पिकअप वगैरह, सिर्फ रोड खराब होने की वजह से आपका ये इसका सस्पेंशन भी कैसे है समझ में आ जाते। नॉर्मल कार में गए तो इसमें इतना आराम से जा भी नहीं सकते, बहुत जैसा बोलते बटर स्मूथ का सस्पेंशन जैसा है। आप वीडियो भी देख सकते हैं, ज़्यादा हिल रहे नहीं। अभी धूप सन भी आया है, तो हम ऊपर जाके उसको रिकॉर्डिंग करेंगे। वाह, तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं लगता है। हम जब जैसा YouTube में लोग वगैरह रिव्यूज में वगैरह देख के, लोग बहुत सारे हमारा फ्रेंड्स है WhatsApp ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में, उनको लगता है ये गाड़ी हिल रोड पे वगैरह अच्छी तरफ से चल सकते क्या, नहीं कुछ प्रॉब्लम है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है, आराम से जा सकते, टेंशन ही नहीं है। क्योंकि मैं तो गाड़ी 12 साल से चला रहा हूँ, दूसरा गाड़ी है ऑफकोर्स, तो मुझे इजीली समझ में आते, ऐसा एक सेकंड भी मन पे डाउट नहीं है। ऐसा इसका पिकअप है, ये लीनियर है, मतलब आपको ऐसा एकदम सडनली पिकअप जंप जैसा नहीं मिलते, लेकिन आपको विद इन सेकेंड्स में फास्ट पिकअप लेते हो। अभी देखो हम इधर टर्निंग्स है, कौन सा भी है, आपको जो रेगुलरली कार कैसे चलाते वही हिसाब से आप कार अच्छा तरह से चला सकते, तो ऐसा कुछ फास्ट जाना है नहीं तो प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। सुबह हम 6 बजे 6:30 बजे निकला था हमारा प्लेस से, ये अभी इधर ऊपर आ गए। मैं बताता हूँ, एक सेकंड के लिए भी मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं लगा कि हम अभी थोड़ा हिल पे जा रहे हैं, वो भी कच्चा रोड पे जा रहे हैं। बेस्ट, देखो अभी इससे अच्छा टेस्टिंग के लिए इससे अच्छा खराब रास्ता आपको किसी को भी बाहर इजीली नजर नहीं आएगा,
फिर भी कुछ भी टेंशन नहीं है। तो मैं अभी सेकंड गियर पे ही जा रहा हूँ। तो अभी मैं फर्स्ट पे चेंज कर रहा हूँ। ये फ्रेंड्स, तो हम देखा अभी MG Aster स्टाइल वेरिएंट कैसे परफॉर्म किया है हिल रोड पे। वो रोड बहुत कच्चा था, फिर भी कुछ भी ये नहीं लगा, क्योंकि मैं भी पहले बार गया। कल मैं डिलीवरी लिया और आज सुबह 6 बजे उधर गया था, तो रोड कंस्ट्रक्शन चालू था। बहुत मतलब असली जैसा टेस्टिंग करने के लिए वो रोड बहुत अच्छा था। तो रोड स्मूथ रहते तो और अच्छा परफॉर्मेंस रहते। तो कौन सा भी चीज़ मुझे ऐसा नहीं लगा, इसका कुछ अंडर पावर्ड है और पहाड़ वगैरह जाते टाइम कुछ प्रॉब्लम आता है, ऐसा कुछ भी नहीं। इट इज़ वेरी वेरी गुड। पिकअप अच्छा है, लीनियर है, इसका मतलब 1-2 सेकेंड थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद पिकअप एकदम स्मूथ रहता है। ओके, तो अगले वीडियो में और दूसरा कुछ बताने वाला हूँ, लाइक एक्सेसरीज, कौन सा एक्सेसरीज में लगाया, कौन सा ज़रूरत है एंड कौन सा ज़रूरत नहीं है, वो सब मैं अगले वीडियो में आप लोग को एक्सप्लेन कर दूँ। तो आज के लिए यह है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। इनकेस नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसा वीडियोस बनाना इजी नहीं है, टाइम बहुत लेते हैं, दूसरा लोग का सपोर्ट लेना पड़ता है। तो एटलीस्ट आप लोग सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करना और मोटिवेट करना, ये मेरा पैशन है, मेरा पैशन आप लोग तक लाना है। तो आप सिर्फ सब्सक्राइब करके मेरा वीडियोस शेयर करो और लाइक करो, देन आई विल डेफिनेटली प्रिपेयर मोर वीडियोस। थैंक यू।